चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद, श्री विठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद, वल्लभ के चरणारविंद श्री विठल के चरणारविंद। मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। बद्दा इनकी पूजा करता था। एक राजा इन्हें कीधू मूल तो मैं पूजा ना करवा दे, जारे आप गाय साथे ने ना त्यासे। अने पछी महाप्रभु जी आया अने गायना पत्थर नी गायना पाछे बस राखी मने सोचते थे खावा लगी। अने महाप्रभु जी गायों ने रक्षा करता था वल्लभ आदि की। हेलो देश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री अमले व्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आए हुए भाविक वैष्णवजनों, मास के पावन अवसर पे और उसके प्रारंभ में हमें श्री गिरिराज बाबा की तड़ेटी का वास मिला, श्री अमना जी का चुनरी मनोरथ का लाभ मिला, तो सुंदर लाभ हमने लिया। बिल्कुल दिव्य मनोरथ चुनरी मनोरथ हुआ, उसका लाभ लिया। चुनरी मनोरथ क्यों होता है? चुनरी मनोरथ आज कई संख्या में हो रहा है, लेकिन उसमें कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती, महात्म्य ज्ञान नहीं होता। चुनरी मनोरथ का ही महात्म्य है कि जैसे यमुना जी हैं वो अखंड सौभाग्यवती, और यमुना जी की कृपा से हमें सिनाय जी की प्राप्ति की, इसलिए हम श्री यमुना जी को चुनरी उड़ा करके अपने अखंड सौभाग्य की सराहना करते हैं कि हे यमुना जी, आपका जो अखंड सौभाग्य है वो आपकी कृपा से हमें मिला है, इसलिए उस अखंड सौभाग्य की सराहना करने के लिए हम ये चुनरी मनोरथ करते हैं और ये विनती करते हैं कि श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, लाल ना रंगाऊं मैं हरी ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे संवरिया। तो हमें प्रभु के रंग में रंगना है। ब्रज की ये आदि देवी धरती जिसके लिए बड़े बड़े ऋषियों ने भक्तों ने ये मांगा है कि हमें ब्रज का लाभ मिले, ब्रज में वास मिले, तो ऐसा वास हम सभी को मिला।
केवल 8 दिनों के अंदर संपूर्ण 84 कोस की है और आज जिससे हमने लाभ लिया, अपन मधुबन चले, कुमुद वन गए, तो कुमुद वन वही स्थान कि जहाँ पर ठाकुर जी ने छाप लीला रोकी, ठाकुर जी ने मनोरथ किया सभी को आज्ञा करी कि सभी लोग अपने घर से अलग अलग प्रकार की सामग्री लेकर के आओ और मैं बताऊंगा कि सबसे सुंदर सामग्री कौन की है। और सभी लोग अपने अपने घर से व्यवस्था करने लग गए। मधुमंगल बड़ा साधारण और मधुमंगल ने सोचा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अपनी मैया से बोला, अरे ओ मैया कुछ तो दे दे। और मैया ने कहा, अरे बेटा हम तो साधारण है, अपने पास कुछ नहीं है। माँ को याद आया, अरे इस हंडिया में खट्टी चिकन के भागा, अरे ला माँ दे दे जो कुछ भी है। और भाग करके जहाँ कुमुद वन में गया और उसी कुमुद वन में देखा दिव्य छाप लीला प्रभु आरोप रहे, इतना सुंदर भव्य नजारा देखा, सुंदर सुंदर उत्तम प्रकार की सामग्री हाजिर है, एकदम स्तब्ध हो गए, रुक गए। अरे ठाकुर जी इतनी सुंदर सामग्री निकाल कर रहे हैं और तुम कहाँ मेरे तुझे खट्टे चार सब का रुकाऊंगा, तो वही रुक गए और जाने के पीछे छिप गए। थोड़ी देर हुई, लगा प्रभु के लायक तो है नहीं ये, इसी दास के लायक लगती है और खुद आरोपने लगे। वही ठाकुर जी आ गए और उसके पास से ले लिया ठाकुर जी ने, उनको आरोपने लगे और ठाकुर जी को इतना आनंद आया उसके कुमुद वन में कि ऐसो स्वाद हम कबहुन चाहते, कहा कि सारे बाल बालों में सबसे सुंदर सामग्री इस मधुमंगल, ये ऐसा स्वाद मुझे और कहीं नहीं आया। अच्छा कि नहीं आया, तुम्हें इतना सुंदर स्वाद आया तो हमें भी आनंद कराओ। ठाकुर जी ने थोड़ा थोड़ा लोगों को दिया, कन्हैया हमारे पास तो दोना भी नहीं है, हम तो इस वन में घूम रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, आने पास बनाए दोना, यानी अपने हाथों का दोना बनाया और ठाकुर जी का आज्ञा पधराओ। थोड़े थोड़े लोगों को मिल गया लेकिन कुछ लोग रह गए, तो जिन नहीं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेली चाट आज तदीन गीतो मदन गोपाल। ठाकुर जी ने कहा कि जिन वैष्णव को, जिन लोगों को नहीं मिला है ग्वाल बालों को, वो मेरे हथेले में सपा दी। तो इतना सुंदर लाभ मिला और ठाकुर जी ने मधुमंगल की सामग्री को उत्तम क्यों माना, क्योंकि सारे लोग सुंदर सुंदर प्रकार की सामग्री को लाए थे लेकिन मधुमंगल की सामग्री में विशेषता, क्योंकि उसके अंदर तत्सु का भाव, ये सामग्री तो मैं लेकर के आया हूँ लेकिन ये तो खट्टी छाछ है, तो उसने मन में तत्सु का भाव रखा, इसलिए प्रभु ज़्यादा प्रसन्न हुए कि चाहे दूसरे लोग कीमती वस्तु लेकर के आए हैं लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं है जो भाव और प्रेम में है। इसलिए हम भाव और प्रेम से प्रभु को मिश्री अरुगाते हैं, सूखा मेवा अरुगाते हैं, फल फूल अरुगाते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज भी हम अरुगाते हैं, तो उसमें रहा हुआ हमारा भाव प्रभु उसी को अंगीकार करते हैं। चाहे जीव सामर्थ्यवान है चाहे जीव साधारण है, भगवान जीव के प्रेम से वश है, इसलिए हमें भाव श्रद्धा और प्रेम से करना है। सारी बैठक जीवों में हमें तत्सु की भावना रखना, कर्म श्री महाप्रभु जी की बैठक भी कर रहे हैं तो श्री वल्लभ को कैसे सुख प्रदान हो, श्री वल्लभ की हम कैसे सेवा करें। पुष्यमान भी हम कहता है कि मुझे लाभ मिलने से ज़्यादा मेरे वल्लभ की प्रसन्नता हुई थी, ये पुष्यमान मेरा फायदा दिखने वाला मर्यादा मानना लेकिन पानी, इसलिए वल्लभ के सुख का चिंतन करें कि हमने वल्लभ को क्या सुख दिया, वल्लभ कौन सी सेवा कर। तो सुंदर भावना से हम जा रहे हैं, जलस्पर्श का आनंद ले रहे हैं, सुंदर वल्लभ की सेवा चल रही है, तो हमें ऐसा ही भाव रखना है
कि कहाँ कहीं भी अंग से वल्लभ को प्रश्न हो, क्योंकि सच्ची यात्रा को हरि गुरु और वैष्णव की सेवा। इसलिए बेटा जी में कि जहाँ श्री वल्लभ खाली गुरु रूप में नहीं साक्षात पुरुषोत्तम स्वरूप में विद्यमान। इसलिए देखो श्री महाप्रभु जी श्रृंगार नहीं करते, बेटा जी में अपन श्रृंगार धरा है। इसका कारण ये है कि बैठक जी में श्री महाप्रभु जी साक्षात से पुरुषोत्तम स्वरूप विद्यमान, इसलिए श्रृंगार कराया जाता है। ये खाली गुरु नहीं पर यही भगवान है, वही भावना से श्रृंगार धरे जाते महाप्रभु जी को, तो वही भावना है। और महाप्रभु जी ने 84 बैठकों के द्वारा 84 भक्ति का स्थापन किया। ब्रज में 22 बैठक जी का आनंद और उसके अलावा गोकुलनाथ जी श्री गोसाई जी के बैठक जी का लाभ तो इतना विशेष लाभ है। और कल अपन को सबको सुबह प्रातःकाल 5 बजे श्री गिरिराज बाबा के मुख्यालय से अपनी परिक्रमा का प्रारंभ करेंगे और हमारी परिक्रमा निकलेगी। और कई वैष्णव जो हैं वो 7 कोस की करेंगे, कई वैष्णव 5 कोस की करेंगे, तो हमें समय अनुसार निकलना होगा। सुंदर परिक्रमा करेंगे और उसके बाद श्री गिरिराज जी को अपन दूध अंगीकार करवाएंगे, सामग्री अंगीकार होगी सुबह, और शाम को अपन 56 भोग करवाएंगे श्री गिरिराज बाबा को लाल लड़ाना है कल। तो ये तरेटी कोई साधारण तरेटी नहीं है श्री गिरिराज जी की, जहाँ पर हम आज बैठे हुए हैं। हरिराय जी जैसलमेर में विराज रहे थे, आज भी जो जैसलमेर वाले हैं उनको तो पता होगा यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में है। वहाँ पर गिरधारी जी का मंदिर है, वही महल में, तो गिरधारी जी से हरिराय जी ने यही विनती करी कि तरेटी श्री गोवर्धन के रही है। वहाँ जैसलमेर में बैठे बैठे श्री हरिराय जी ने श्री गिरिराज बाबा की तरेटी का ध्यान धरा, क्योंकि ये तरेटी जो अपन को मिली है ये दुर्लभ है, ये कोई साधारण नहीं है। कहा जाता है कि द्वादश निकुंजों का जो वर्णन आता है वो सारे द्वादश निकुंज यहीं पर विद्यमान है, और रात्रि के समय में ठाकुर जी के यहाँ पर लीला होती है। अष्ट सखा के अष्ट द्वार यहीं पर है श्री गिरिराज जी। और अपन ने सुना है कि जब जीव का देह चला जाता है तब उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, मगर हमारे श्री गिरिराज बाबा इतने कृपाल हुए हैं, कृपा के सागर हैं, कि वो प्राप्त करने के लिए गोलोक धाम को हमें कहीं दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमें इस पंच भौतिक देह से ही साक्षात गोलोक धाम के दर्शन हो सकते हैं। आपको इस स्थान पर वास दिया गया है कि स्थान इतना दिव्य है कि स्थान पर आप श्री गिरिराज बाबा का सच्चे मन से स्मरण करोगे तो आपको यहीं इसी पंच भौतिक देह से साक्षात गोलोक धाम की जाति हो जाएगी। कृष्णदास मेघन ने ये सवाल श्री महाप्रभु जी से किया कि हे वल्लभ, मैंने तो सुना है कि श्री गिरिराज बाबा में साक्षात गोलोक धाम है। श्री वल्लभ ने कहा कि तुमने सही सुना है कृष्णदास, तुम अष्टाक्षर का स्मरण करो और श्री गिरिराज बाबा की कंदरा में प्रवेश करो। और ऐसे ऐसे करते गए, धीरे धीरे सरकते गए, गिरिराज बाबा ने अपना मार्ग प्रशस्त किया, और जगह मिली और जगह मिली, और जहाँ भीतर में प्रवेश किया दिव्य लीलाएं, भव्य लीलाएं, साक्षात गोलोक धाम और रत्न जड़ित साक्षात गिरिराज बाबा की प्राप्ति। तो यही तरेटी है, यही वो स्थान है कि जहाँ पर आज भी दिव्य लीला चलती है, यहाँ पर श्री गिरिराज जी के भीतर में साक्षात ठाकुर जी के अपने श्रीहस्त के निशान हैं, सुरभि गाय के निशान हैं,
सारी वो स्थान वो लीला स्थले सब कुछ आज भी मौजूद है, वैसे कि वैसा ही है। तो वो सबका भी ज्ञान आपको कल करवाया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि साक्षात वही स्थान है, वही दिव्य लीला है कि जहाँ पर गोसाई जी ने सहदेव गोविंद स्वामी के साथ में प्रवेश किया हुआ है। आज भी श्री गोसाई जी यही विराज रहे हैं। और सिन्हा जी के शैल हम अगर मानते हो कि नाथ द्वारा में होते हैं, लेकिन सिन्हा जी के शैल में खाली भाव होता है, सिन्हा जी पौड़ते तो यहीं पर, यही वो स्थान है जहाँ पर गिरी चंद्रा माती प्रकट थया प्रभु। हाँ, आप गोवर्धन नाथ जी, तो यही वो स्थान है कि जहाँ पर साक्षात सिन्हा जी बाबा का प्रकट हुआ है, यही वो स्थान है जहाँ पर श्री महाप्रभु जी और सिन्हा जी का प्रथम मिलन हुआ है। कि जब सिन्हा जी बाबा ने श्री महाप्रभु जी से आज्ञा करी कि हे बल्लभ, मैं यहाँ पर प्रकट हुआ हूँ गिरिराज जी की चंद्रा में, आप हमको पाठ में पढ़ाओ। और झारखंड में महाप्रभु जी परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ से हमें बता रहे यहाँ पर सदुपांड ब्रजवासी का आज भी वही स्थान है। तो वहाँ से फिर महाप्रभु जी बता रहे और फिर पता चला यहाँ पर प्रागट्य है। और महाप्रभु जी जब बता रहे तो यहाँ सिन्हा जी बाबा को श्री महाप्रभु जी को मिलने की इतनी आतुरता, और महाप्रभु जी को सिन्हा जी को मिलने के लिए आतुरता, यहाँ से सिन्हा जी दौड़े, यहाँ से श्री महाप्रभु जी दौड़े और दोनों का प्रथम मिलन यही स्थान है जहाँ पर प्रथम मिलन। तो आपके भाग्य की क्या सराहना करनी, अधिक मास और ऐसा सुंदर स्थान बड़ा दुर्लभ है संगम। और ये तो भादरवा का अधिक कहा जाता है कि 12 वर्ष में ऐसा युग बैठता है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं, कितनी सुंदर तरीके से हमारी यात्रा चल रही है। आज भी आप देखो तो शान शान में यमुना जी की और ठाकुर जी की विशेष कृपा के अनुभव हो रहे हैं। हम अगर आदि देवी दृष्टि से देखें तो कितने साक्षात अनुभव हुए। अपन कल का भी देखे प्रसंग, विश्राम घाट में भी इतनी भव्यता और इतने सुख रूप से, कहीं भी हमें बारिश में भी परेशान नहीं किया, कहीं भी कोई तकलीफ नहीं आई। और आज भी हम देखे कुमुदवन में आगे पीछे इतनी बारिश चल रही थी, लेकिन हमारे लाला जब कुमुदवन में अलोक में विराज गयो बारिश भी रुक गई। इस साक्षात क्योंकि वो बारिश भी जानती है ना कि यही वो स्थान है जहाँ पे इंद्रमान भंग किनो, यही वो जगह है कि जहाँ गोवर्धन को धारण किया है ठाकुर जी ने 7-7 दिनों तक और इंद्र का मान भंग किया। तो ऐसा दिव्य स्थान है। तो गिरिराज जी का जो प्रागट्य हुआ 100 शिखरों से हुआ और गोलोक धाम में हुआ, और गोलोक धाम में प्रकट होने के पश्चात गिरिराज जी कहाँ प्रकट हुए, सालवले जी जहाँ दक्षिण अफ्रीका के पास, और वहाँ से पुलस्त मुनि उनको लेकर के जा रहे थे काशी में, और गिरिराज बाबा ने अपना वजन बढ़ाया और गिरिराज बाबा विराजमान हो गए यहाँ पर। और वचन लिया हुआ था एक बार जब उससे मुझे पधरा दो तो वहाँ से मैं दोबारा नहीं उठूंगा। तो गिरिराज बाबा यहाँ पर 3 शिखर से विराजमान, आदि शिखर की जहाँ पर ठाकुर जी ने लीला कर, मध्य शिखर यानी कि साक्षात सिन्हा जी बाबा जहाँ पे प्रकट हुए वो 2 लीला हो चुकी है। जैसे गर्ग संहिता में वर्णन आपने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा कि उन्होंने गर्गाचार्य जी ने कहा कि 4800 वर्ष के बाद यहाँ पे से वही स्वरूप प्रकट होगा जिसकी सेवा यशोदा जी और नंदराय जी ने करी। वो ठाकुर जी ब्रजमंडल को छोड़ के कहीं नहीं पधारे, यही गिरिराज जी में विराज हुए और वो सिन्हा जी के नाम से प्रकट होंगे। तो वैसे प्रकट हो गए और अब आगे लीला होने वाली है वो बाकी है। सुरभि कुंड से अप्सरा का ब्रह्म शिखर की लीला, वो लीला अभी प्रभु और करने वाले। तो ऐसा दिव्य स्थान है, ऐसा सुंदर अपन को स्थान मिला है श्री गिरिराज जी का, तो उनकी तड़ेटी का आनंद लेना है, ब्रज में बन जाना है। देखो ब्रज में आना एक बात है और ब्रज को अपने अंदर समा लेना, ब्रज में बन जाना वो एक विशेष बात है। तो ब्रज के अंदर तो हम आ गए, लेकिन हमारी ऐसी भावना है, हमारे ऐसा आशीर्वाद है कि आप तो ब्रज में आए हो
लेकिन प्रभु अपना ब्रज मंडल आपके सभी के हृदय में स्थापित कर दे, ऐसे हमारी शुभकामना और शुभाशीष। फिर आपके हृदय में स्थापित होने के बाद में फिर चाहे जो जहां से भी आया हो, कोई अहमदाबाद कि दो बार जिससे बंद हो गया, तो वही संकेत है कि जो अभी माध्यम है वो माध्यम सारे दूर हो जाए और प्रभु और भक्त दोनों एक हो जाए। इसलिए प्रभु ने लीला करने के माध्यम की जरूरत नहीं है, सीधा ही समर्पण है।